हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेज डिलाइट। आज मैं आपको एक नई डिश सिखा रही हूँ जो कि है राजस्थानी लहसुन की चटनी। बहुत सुना होगा आप लोगों ने, वो किस तरह से बनाते हैं आज हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर खड़ी लाल मिर्च ली है जिसे मैंने सोक कर लिया था कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने लिए है 20 से 25 मिर्ची। इसके साथ इसमें हम डालेंगे एक लहसुन, इसका आधा लहसुन हम इसमें पीसने में डालेंगे। आधा लहसुन को हम ऐसे ही बारीक चॉप करके छौंक में तड़का में यूज करेंगे। ये हमने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच काचरा। काचरी राजस्थान में ही मिलती है, यहाँ आजकल तो हर जगह पर किराने की दुकानों में मिलने लग गया है। सूखा काचरा रहता है, उसे आप पीस के ऐसा पाउडर बना सकते हैं, या आप सूखे काचरे को ही पानी में भिगो के इसी के तरह पानी में भिगो के इसमें यूज कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार इस सब को हमें पीसना है। तो हम देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये मैंने लहसुन छील लिया है, इसे हम आधा इसमें डाल रहे हैं, थोड़ा मैं यहाँ पर छौंक के लिए रख रही हूँ। और ये हम डाल रहे हैं काचरी का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी बीच में डालेंगे। ये देखिए हमने इसे ब्लेंड कर लिया। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप इसे तड़का भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको तड़का लगा के वो भी बताऊंगी, और ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं। तो आप इसे फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं 7 दिन के लिए। की चटनी को तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म होते ही हम इसके अंदर डालेंगे मस्टर्ड सीड। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे आधा चम्मच राई। और जो मैंने लहसुन रखे थे वो लहसुन को मैंने बारीक कूच लिया है मिर्ची वाले में, और इसे हम डालेंगे। लहसुन हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है। और आधी चम्मच हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, या आप नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हैं। और पीसी हुई चटनी हम इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें चटनी सारी डाल दी है, और जार थोड़ा सा पानी जार में डाल के वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हमें एकदम मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पकाना है, जब तक कि पूरा ऑयल रिलीज ना हो जाए। इसे हम अच्छी तरह से पकने देंगे करीब 5 मिनट के लिए। आप चाहे तो इसे घी में भी तड़का लगा सकते हैं या ऑयल में, दोनों आपकी चॉइस है। कम ज़्यादा तेल घी वो आपके ऊपर है, बट बेसिकली इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा डलता है। कि हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, सारा तेल ऊपर आ चुका है। इस चटनी को आप ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख सकते हैं। आप 15 से 20 दिन इसे आराम से खा सकते हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी। ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। अगली बार फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।